हमारा यहाँ से कुदरती बाग शुरू होता है इस सीढ़ी से, और इसमें बहुत जंगली पेड़ बहुत लगाया जी हमने। जंगल का भी देसी भी पेड़ है और फ्रूट का भी पेड़ है जी कुछ। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से जहाँ से हम चलेंगे वैसे उसमें ये पौना एकड़ का खेत है, ये कुदरत के नाम पर छोड़ दिया जी। इसमें चिड़िया हैं, परिंदा हैं, कितना भी इसमें फल खा सकते हैं, और इसके लिए घोंसला भी है, बैठने के लिए जगह भी है, ये कुदरती बाग है। बड़ा बड़ा इसका शीशु भी है जी, नीम भी है, और देसी जो पहाड़ी पेड़ है जी बरना भी है, देसी की बबूल भी है, देसी कीट वो भी है, केंदू भी है जी, ढाक भी है, धोक भी है, ये नीम भी है जी, बड़ा बड़ा शीशु है, छोटा बड़ा नीम है जी। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है जो कोई ये कह सके कि इसमें वो पेड़ नहीं है जी फलानी किस्म का, हर किस्म का पेड़ हम लगा भी रखे हैं जी, कुछ अभी कुछ नए लगाए हैं जी, अभी ये दो हफ्ते एक हफ्ते पहले अभी लगाए जी पिछले हफ्ते में। ये इस जंगल में सारा ये नीम और मकान है जी, झाड़ है, जाल है, ये जितना भी पहाड़ी पेड़ है सारा इसके अंदर पूरा लगा हुआ है। ये हमारी नीम, ये बाद में अब लगाई है हमने नीम का, पहले भी और अब लगाया ये नीम। यहाँ ये कमरक है जी, ऊपर वो भाई जी बरना है, शीशम है, सहसूद है, गुलमोहर है, बहुत से तो ऐसे पेड़ हैं जिसकी नाम भी याद नहीं आता जी बहुत। ये सारा शीशु है जी यहाँ पे, ये शीशु में ये फल आ रहा है जी, बड़ा शीशु है ये। बहुत चिड़िया बैठी हुई हैं इसमें, चिड़िया भी है, परिंदा है, तोता है, गुलकुरसल है, मधुमक्खी भी है। ये नया पेड़ लगाया जी, ये शीशम का बड़ा पेड़ ये खत्म हो गया था जी, ये हमने इसलिए ऊपर से काटा था जी, इसकी उम्मीद थी जी कि वापस आ जाए, ये वापस नहीं आ पाया जी, इसलिए इसके साथ में पपीता पपाया हो गया जी। ये खिरना है जी, जहाँ से हम चल रहे हैं ये बहुत छोटा पेड़ है जी, ऊपर सारा बड़ा बड़ा पेड़ ऊपर है, मकान है, नीम है, पापड़ी है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ जिसमें चिड़िया बैठती है जी वो ऊपर है, नीम है। बहुत पेड़ छोटा है जी अभी इसमें, बहुत अभी पिछले हफ्ते लगाया था जी। ये सरकंडा भी लगा रखा है जी, जिससे पहले छप्पर बनता था जी घरों का,
देसी बबूल है ये, जिसको देसी कीकर बोला जाता है जी, देसी बबूल। बहुत बड़ा पेड़ बनता है जी, कम से कम ये 30 फुट ऊंचा बन जाता है जी। 10 फुट की तो इसकी, 7-8 फुट की गुलाई का तो इसका तना बनता है, जिसके जिसे मूल कहते हैं जी, ऐसा मूल। ये जमनी भी अभी लगाई थी जी कुछ पहले, ये ऊपर अभी चलेंगे जी, ऊपर अभी गए नहीं है, नीचे के चल रही है साइड से। ये पूला है जिसमें से वो सरकंडा बनता है जी, ये भी हमने लगाया है ये अपनी बाग में। ये सारा बकान है जी, ये 2 साल पुराना है जी, अभी पूरा 2 साल हुआ है। इसके बीच में यहाँ हमने फिर बबूल लगा दिया जी, देसी बबूल। ये हमारी इमली है जो 500-700 साल पेड़ चलता है, जिसका कम से कम 500 साल, ऐसे बुजुर्गों से सुना है जी, 500 साल कम से कम इमली का पेड़ चलता है। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं 1000 साल चल जाता है। अर्जुन है, इसके बाद में नीम आ गया, ये बकान हो गई। उसके बाद ये देश बबूल आ गया जी, फिर सारा पहाड़ी पेड़ है, कांटे वाला जिसको बोलते हैं, वो खैर ही बोलते हैं, खैर, इस पर खैर लिखा हुआ है, इसको देहाती भाषा में खैरी बोलते हैं जी, खैरी। कांटा होता है जिसमें फली आती है, जानवर खाते हैं इसको, बकरी बहुत खाती है, पहाड़ में बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है इसको। यहाँ ये पहाड़ी पेड़ है जिसको जाल बोलते हैं जी, जाल। इसमें कांटा ही कांटा रहता है, इसको पशु बहुत ज़्यादा खाता है, ऊँट खाता है, बकरी खाती है जिसको। ये जंगली है जी, सारा पहाड़ी पेड़ है जी, पहाड़ी। यहाँ से हम ऐसे कुदरती बाग में वो अपने को ऐसे चढ़ जाते हैं जी, एक रास्ता बीच में रह गया, एक रास्ता ये है। सिरस है, यहाँ से ये सिरस है जी, 4-5 पेड़ यहाँ सिरस का लगाया गया, बहुत बड़ा बनता है ये। ये चीकू का पेड़ है जी, ये
अब यहाँ से हमारा बड़ा बड़ा पेड़ शुरू हो जाता है। ये नींबू है, इससे ये अमरूद और पपाया आ जाता है। पिछले साल 2 साल पुराना पपाया है ये। इसमें शुरू में जो फल लगा था 140 फल आया था इसके अंदर, और अच्छा मोटा मोटा बना था जी। 140 यहाँ शुरू हुआ था जी, यहाँ यहाँ से वहाँ तक पपाया पपाया था जी। 140 बहुत मीठा था जी। यहाँ से ये अमरूद शुरू हो जाता है जी। अब इसमें शाम के टाइम बहुत चिड़िया खाती है जी अमरूद, बहुत। ये हमने अब लगाया जो पिछले हफ्ते में, इसको बोलते हैं जो वो फसेंदू, वो बांसा जी। ये पहाड़ी पेड़ है जी, बांसा है जी, बांसा। इसको जो भूसे गाय भैंस के लिए जो भूसा भरते हैं जी गांवों में, इसका वो घर बनाया जाता है इस पेड़ से। ये हमारी कुदरती बात ये लाइन हो जाती है जी यहाँ पर। यहाँ हमने ढाक लगाया है जी अपनी बाउंड्री पे, ये ढाक है जी। होते भी पहले पुरखा ने देखा था जी, यहाँ यही होता था ज़्यादा धोक, और ये ढाक है, ये धोक है जी। इसे 3-4 फुट पीछे ये धोक बन गया, इससे तो 3 फुट बाद में ये पापड़ी बन गई। अगर मैं पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ में धोक ही धोक, धोक और ये ढाक ज़्यादा है जी। ये पापड़ी का पेड़ है, ये अपनी अरड़ है जी, जिसको दाल बनाते हैं जिसे दाना जी, ये अरड़ का पेड़ है। दिखेगा उसको खाने के लिए ले लेंगे जी। बाकी ये बाकी सारा जानवर के लिए है जी, सब परिंदा खाता है जी सबको। ये आँख सिंध है जी, आँख बोलते हैं जिससे जी आँख। ये शरीर के अंदर बच्चे के या बड़े के किसी के भी कोई फोड़ा हो जाता, पहले फोड़ा ज़्यादा होते थे जी, इसमें से 2 पत्ते चूंट लिए, 2 या 3, और थोड़ी सी गर्म आँच पे ऐसे सिकाई करके जी उसकी, और जहाँ फोड़ा था जी वहीं उसको बांध लेते थे जी। ये पूरी 1-2 रात में ये ठीक कर देता था जी बांधने। हमने भी देखा है जी, बांधा है कई बार। ये धोक है जी, ये गुलर है जी, गुलर में बहुत फल आता है जिसको परिंदा खाता है, बहुत चिड़िया खाती है इसमें। ये ढाक है, ये दूध में है, खेलना बोलते हैं। एक ये पेड़ है लोकाट का, एक पेड़ है और बाकी आगे है, उसमें आपके लोकाट लगा था 4-5, वो चिड़िया ने खाया था जी उसके अंदर, चिड़िया के लिए छोड़ दिया था, खाओ। गंगे की है जी, आमला है, ये बकान है, बकान के साथ में कड़ी पत्ता है। ये तुलसी है, ये लोकाट है, ये आमला है जी,
ये अपने छोटा अब लगाया, ये बेल पत्थर है, बेल धीरे चलता है, बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है इसका। ये रीठा है जी, इससे साबुन बनता है। यहाँ से आम भी लगाया जी हमने टोकरी से, यहाँ भी एक आम लगाया है। ये खसखस होगी, खस इसको काट के यहीं छोड़ देते हैं, इसका ये वो बना देते हैं जी मल्टी, जिसमें खरपतवार हो उसको काट के यहीं डाल देते हैं जी वापस। आड़ू का पेड़ है जी, ये हमने पिछले साल लगाया था जी, एक साल का हुआ जी अभी पूरा, इसमें फल आया था जी, 17-18 फल आया था। वो चिड़िया के लिए मैंने अपनी आँखों से चिड़िया खाते देखी थी जी, बहुत 8-9 चिड़िया देखी थी इस पर बैठी जी, और सबको धीरे धीरे वो चिड़िया खा गई थी इसमें से। ये पिलखन का पेड़ हुआ जी, पिलखन, और ये कट्ठा है जी, इसको देसी वो बोलते हैं जी, सहसूद, सहसूद नहीं, ये खट्टा है, छोटा वाला जो होता है छोटा जी, ये पिलखन है जी। इससे पीछे हमारा ये वो है जमलतास, फिर वो बकान हो गई है, यहाँ पर ये खट्टा हो गया जी। ये नींबू है जी, नींबू, ये गिलहरी खाती डोल रही है जो, वो गिलहरी बैठी हुई है उस पर, जिसको जो फल अच्छा लगता है वो खाती है। ये बेर है, ये बड़ा बेल है, ये भी पिछले साल लगाया था, ये बेल अभी एक साल का हुआ है पूरा, पिछले साल बरसात जुलाई में लगाया था जी। ये सारी कड़ी पत्ता की पौधे जी, ये इसमें से डलाते जी, इस पेड़ से। इसको चाय में डाला जाता है, इसको लेमन ग्रास बोलते हैं जी, इसको ये इसको चाय में डाल देते हैं जी, बहुत बढ़िया खुशबू देते हैं जी, चाय में डाल देते हैं इससे। ये चौलिया का पेड़ है जी यहाँ पर, ये अरड़ का है जी, और ये हल्दी का पेड़ है, ये हल्दी है जी, हल्दी, ये पपाई के नीचे और इसके चीकू के आसपास ये है जी, इसको ग्वार का पाठा बोलते हैं, बहुत काफ़ी बड़ा बन जाता है इतना ऊँचा, ये अभी छोटा है जी। यहाँ इस कोने पे हमारे जो बेल पत्थर है, बेल पत्थर के बाद में ये अपनी जमनी है, यहाँ जमनी का बेल है,
ये बरना के नीचे हमने ये लगा दिया शरीफा, ये बड़ा बनेगा जो बरना है, ये पहाड़ी पेड़ है, ये बरना ये शीशम है जी बड़ा। ये शरीफा की लाइन है, यहाँ से वहाँ तक सात शरीफा है, जहाँ से हमारा सीढ़ चढ़ के ये एक पिछले साल लगाया था। यहाँ हमारा पांच पेड़ है जी बरना का, ये इसमें फल आता है और चिड़िया खा जाती है उसको, बीज को यहीं डाल देती है। ये सारा बरना का बीज है, ये कच्चा झड़ गया ये, और ये कुछ पक गया था जी, ये इसमें ये कच्चा है जी, और ये जो पक रहा है ये पका हुआ जी, ये कच्चा है जी, ये चिड़िया ने काट दिया खाने के लिए, उसको खाना पाई, इसमें से इसको खाती है जी, बीज की तरह ये इसमें से बीज बन जाएगा जी। यहाँ ये गुलमोहर का पेड़ लगाया था जी हमने, ये यहाँ से वापस हमारा एक यहाँ बैठने की हमने जगह बना रखी है जी कुदरती बाग से। ये हमने एक झोपड़ी बनाई है जी अपनी, ये बरसात से बिगड़ गया जी, लिपाई हो जाती है मिट्टी से, बहुत अच्छा लगता है जी, बरसात की वजह से ये थोड़ा सा लीपना उपना बंद कर रखा है।